सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए। कहा, हमारी प्रमुख जिम्मेदारी देश की एकता और अखंडता। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश में जल्दी ही होगा बिजली समस्या का सकारात्मक हल। कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने से निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है हरियाणा। फतेहाबाद में स्टेट सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन। खेल मंत्री ने कहा, इस वर्ष बजट में खेलों के लिए रखा गया 45 करोड़ से अधिक का प्रावधान। और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पलवल में जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, प्रदेश में लोगों को मिल रही है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक, अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन प्रशिक्षुओं ने पुरस्कार प्राप्त किया है, उन्हें प्रशिक्षण के दौरान अपनी कल्पना के माध्यम से हर सप्ताह अपनी कठिनाइयों का वर्चुअल प्रेजेंटेशन देना चाहिए। वे अपने ही राज्य से इस पूरी कल्पना क्या थी, कैसे शुरू किया, कौन सी कठिनाइयां आई, पूरा प्रेजेंटेशन दे वर्चुअली इन सबको, ट्रेनीज को, क्वेश्चन आंसर्स हो। और हर सप्ताह ऐसे दो अवार्ड विनर्स के साथ अगर विशेष चर्चा हो, तो मैं समझता हूँ कि जो नई पीढ़ी आ रही है उनको एक प्रैक्टिकल अनुभव, बातें चीतों का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और हमारे सामने तीन स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए। पहला लक्ष्य यह है कि देश में आम आदमी के जीवन में बदलाव आए, जबकि दूसरा और तीसरा लक्ष्य ये है कि हम आज जो कुछ भी करते हैं, हमें उसे वैश्विक संदर्भ में करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी प्रमुख जिम्मेदारी देश की एकता और अखंडता है। पहला लक्ष्य है कि देश में सामान्य से सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव आए, उसके जीवन में सुगमता आए और उसे इसका एहसास भी हो। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर दिल्ली के लाल किला परिसर में कल शाम से दो दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि श्री तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया और इस वजह से 400 साल बाद भी पूरी दुनिया उनको नमन करती है। जी का बलिदान ही हिंदू धर्म की रक्षा के काजे हुआ। कश्मीरी पंडितों ने जब उनके सामने उन पर जो बे इंतहा अत्याचार होते थे इसकी बात रखी, तब गुरु साहब ने निर्णय किया और अपना सर्वोच्च बलिदान यही सामने चांदनी चौक के सामने, जहां आज सिसगंज गुरुद्वारा विद्यमान है, वहां पर दिया। और इसीलिए उनको हिंदी चादर का नाम से आज भी 400 साल के बाद भी न केवल भारत, पूरी दुनिया सम्मान, श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके कार्यों को, जीवन को और उनके संदेश को नमन करता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने पूरे देश में सद्भावना और समानता का संदेश दिया। गुरु नानक देव जी महाराज के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी ने देश का भ्रमण किया, यात्रा की, आसाम तक, आसाम से लेकर पटना साहिब तक, पटना साहिब से लेकर आनंदपुर साहिब तक और पूरे पंजाब में, तो वो गुरु तेग बहादुर जी ही थे। और 20 साल की साधना के बाद एक प्रशांत मूर्ति में परिवर्तित हुए गुरु महाराज, और उन्होंने पूरी देश के अंदर सद्भावना का, समानता का और शांत वीरता का अनुभव किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में बिजली संकट का जल्द ही समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गर्मियों के दिनों में मांग बढ़ने से सभी राज्यों में बिजली कटौती होती है और प्रदेश में भी थोड़ी बहुत बिजली कटौती शुरू हुई है। इसके समाधान के लिए बिजली कंपनियों के साथ 1 या 2 दिन में बैठक होगी। उम्मीद है कि इस बैठक में बिजली समस्या का सकारात्मक हल निकल आएगा।
शॉर्टेज स्वाभाविक है, इन दिनों में वैसे तो हर साल होती है, सब प्रांतों में होती है, यहाँ भी थोड़ी शुरू हुई है, क्योंकि तो शॉर्टेज के जब दिन होते हैं तो पावर कंपनी जो हैं खुले में बिजली बेचना शुरू करते हैं, बहुत महंगी बिकती है उनकी, और जब स्पेयर होती है उसमें सस्ती भी लेते हैं हम, लेकिन आजकल चूँकि महंगी का ज़रा समय है तो छोटे मोटे झगड़े करने के बाद कैसे डिस्प्यूट खड़े किए जाए, ये पावर कंपनी सरकारों के साथ करती है। लेकिन मुझे लगा है कल जो मेरी बातचीत हुई टेलीफोन पर कि एमिकेबली एक दो दिन के बाद ये समझौता कर लें। गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति बैठक की अध्यक्षता के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, इसलिए प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। गुरुग्राम के अलावा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी जिलों में भी कई कंपनियां अपने उद्योग लगा रही हैं। मैं कहूंगा कि दूसरे प्रांतों को देखते हुए आज जो लोग निवेश करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उनसे जब बात करते हैं वो कहते हैं कि हरियाणा का लैंड और पोजीशन बाकी प्रांतों की तुलना में बहुत अच्छा है। बल्कि इस कारण से अब पैसा लगाने वाले को तो हर प्रकार की सुरक्षा चाहिए। हमारे इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, चाहे वो गुड़गांव जिले में आ रहे हों, रेवाड़ी जिले में आ रहे हों, इवन महेंद्रगढ़ जिले तक, इधर झज्जर जिला, सब जिलों में इन्वेस्टर जो हैं बड़ी संख्या में आ रहे हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं, और लैंड और स्थिति अपने आप में हम कह सकते हैं कि यहाँ कैसे सुधार हो सकता है, लेकिन बाकी जिलों के बाकी प्रदेशों की तुलना में हरियाणा का लैंड और स्थिति बहुत अच्छी है। फतेहाबाद जिले में स्टेट सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। 25 अप्रैल तक चलने वाली इस खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह ने किया। खेल मंत्री ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्टेडियमों के रखरखाव, उनमें सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए इस वर्ष बजट में 45 करोड़ से अधिक का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि दरियापुर में बनाई गई एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल एकेडमी पर शीघ्र ही काम शुरू हो जाएगा और काफ़ी गेम्स ऐसी हैं जिसका एस्टिमेट बनकर जाएगा, और इस साल हमने बजट के अंदर काफ़ी ऐसी प्रावधान रखा है कि जो स्टेडियम्स की रेनोवेट है, जो रखरखाव के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए और उसमें एक फैसिलिटी लाने के लिए मोर देन 45 करोड़ जो हैं वो हमने इस बार हरियाणा में रखे हैं। वहीं प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से उनका उत्साह बढ़ता है। आज फतेहाबाद में स्टेट चैंपियनशिप शुरू हुई है और यहाँ पे सैकड़ों बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप खेलने आए हैं और हम भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, जय भगवान सर ने बहुत अच्छा यहाँ पे किया है और सभी बॉक्सर्स अच्छा खेल रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज पलवल के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय में हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले के शुभारंभ पर केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। 2 लाख परिवार हैं, अभी 60,000 परिवार आते हैं, लगभग 20,000 परिवारों के गोल्डन कार्ड बने हैं जो 5 लाख तक का इलाज फ्री में ले सकते हैं, यानी कि 1 लाख से ज्यादा कार्ड बन चुके हैं अब तक, जो 5 लाख तक का इलाज साथ में फ्री में कराए, अभी किसी ने सोचा था? सिविल सर्जन ने बताया कि मेले में उपस्थित लोगों की सामान्य स्वास्थ्य जांच की गई है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने लोगों को आयुर्वेद को अपनाने का आह्वान किया। वहीं लाभार्थियों ने बताया कि इस प्रकार के स्वास्थ्य मेले का आयोजन होने से लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। भी लोग जो आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरी हैं उन्हें कार्ड बनाकर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य के सभी स्पेशलिस्ट इसके अंदर उपलब्ध हैं। होलिस्टिक तौर पर ये मेला लगाया जा रहा है और लोगों के अंदर इसको देखकर एक जोश देखने को ही बनता है। उद्देश्य है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं फोर स्टेप पे सेवाएं दे पाएं, इसलिए कैंप अप्रोच पे स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। और पलवल में जो हेल्थ मेला लगा हुआ है उसमें आकर के मैंने अपना आयुष्मान कार्ड बनाया है जिससे मुझे सरकार की सुविधाओं का लाभ मिल सके, और ये मेला गांव में लगना चाहिए जिससे कि लोग इसका लाभ उठा सकें। कृषि एवं किसान कल्याण और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि प्रदेश प्रति व्यक्ति दूध के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। कृषि मंत्री गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से आयोजित समर मीट को संबोधित कर रहे थे।
कृषि मंत्री ने कहा, हरियाणा पशुओं में आनुवंशिक सुधार की ओर पूरा ध्यान दे रहा है। उन्होंने पशुओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए प्रदेश को 200 मोबाइल वैन देने की मांग भी की। कृषि मंत्री ने पशुधन क्रेडिट कार्ड को और ज्यादा व्यावहारिक बनाए जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन और मुर्गी पालन में हरियाणा अच्छा कार्य कर रहा है और ये रोजगार का अच्छा माध्यम भी है। हरियाणा हमारा दूध उत्पादन में देश में दूसरे नंबर पर है पर कैपिटा, और FMD की वैक्सीन है सबसे पहले हरियाणा से शुरू हुई थी, और इस बीमारी से हरियाणा ने लगभग छुटकारा भी पा लिया है। कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो विषय है इस वक्त कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट का है, इसकी तरफ हरियाणा पूरा ध्यान दे रहा है। कि हमारे को आपने मोबाइल वैन दी है, हम इसकी संख्या कम से कम 200 चाहते हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन नियंत्रण को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष खेतों में पराली को नष्ट करने और पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए 5,00,000 एकड़ भूमि पर दवाई का छिड़काव किया जाएगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सक्रिय होकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि उद्योगों में पराली से बनने वाले बायोमास ईंधन का उपयोग करने के लिए उद्योगपतियों को जागरूक करने के लिए सेमिनार आयोजित किए जाएं। सेमिनारों में सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी व अन्य लाभों के बारे में अवगत कराया जाए। उन्होंने निर्माण कार्य व ध्वस्त करने वाली गतिविधियों से फैलने वाले प्रदूषण का भी ध्यान रखने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए पहले चरण में सहायक प्रोफेसर के 1922 पदों के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 2000 सहायक प्रोफेसर की भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में खोले गए 68 नए महाविद्यालयों के भवनों में से अधिकांश के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 22 महाविद्यालयों के नए भवनों के निर्माण के लिए अभी जमीन उपलब्ध नहीं हुई, जिसके लिए प्रक्रिया जारी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति पर हर 15 दिन में एक बार बैठक होगी। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों और जिलों के पुस्तकालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। बैठक में हरियाणा सरकारी महाविद्यालयों की एसोसिएशन, एक्सटेंशन, लेक्चरर और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की एसोसिएशन के साथ कई मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई। भारत COVID-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 187,07,00,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 2,300 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 1,200 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4,23,00,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,75,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,200 से अधिक मामले सक्रिय हैं। डीजी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नारनौल क्षेत्र के व्यापारियों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। योजना के तहत ऋण लेकर व्यापारी नया रोजगार शुरू कर सकते हैं या अपने रोजगार का विस्तार कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की नारनौल शाखा के प्रबंधक ने बताया कि बैंक के मुख्य शाखा में आवेदन करने वाले सभी आवेदनकर्ताओं को ऋण दे दिया गया है। योजना के तहत बैंक से बिना किसी गारंटी के 10,00,000 रुपए तक का ऋण प्राप्त हो सकता है और इसका भुगतान 5 साल तक किया जाएगा। इस ऋण के लिए प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगती। मंत्री मुद्रा योजना के तहत 9 के 9 हमने सेंक्शन की हैं और ये अच्छी स्कीम है लोगों को अपना रोजगार सेटअप करने के लिए। 10,00,000 तक का लोन इसमें बिना गारंटी के हो जाता है। वो जो लेने वाला लोन लेने वाला है वो अपना खुद तो रोजगार प्राप्त करता ही है, उसके साथ साथ उसको लेबर की या दूसरे कहीं माल सप्लाई करता है या रॉ मटेरियल मंगवाता है तो उनको भी रोजगार मुहैया कराता है। योजना के लाभार्थियों ने बताया कि केंद्र सरकार की ये अच्छी योजना है। बैंक से ऋण लेकर उन्होंने अपने व्यापार का विस्तार किया और अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। मैंने मुद्रा लोन लिया जो केंद्र सरकार की एक अच्छी योजना है, और PNB बैंक से मैंने 7,00,000 का मुद्रा लोन लिया। इस लोन से मेरे व्यापार को काफ़ी तरक्की मिली और इस तरक्की के तहत मैंने 2-3 आदमी को रोजगार दिया।
मुद्रा योजना जो लोन है वो बढ़िया स्कीम है और मैंने पीएनबी बैंक से 10 लाख का मुद्रा लोन लिया है। व्यापार में अच्छा फायदा मिलता है, मैंने इसका अपना बिजनेस बढ़ाया है। मैंने अपनी दुकान पर 4 मजदूरों को भी काम दिया है, उनकी भी रोजी रोटी चल रही है और मेरी भी रोजी रोटी चल रही है। इस योजना से काफ़ी लाभ मिला है, जो श्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी की ये योजना बहुत अच्छी है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए, कहा हमारी प्रमुख जिम्मेदारी देश की एकता और अखंडता। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा प्रदेश में जल्दी ही होगा बिजली समस्या का सकारात्मक हल, कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने से निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है हरियाणा। फतेहाबाद में स्टेट सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन, खेल मंत्री ने कहा इस वर्ष बजट में खेलों के लिए रखा गया 45 करोड़ से अधिक का प्रावधान। और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पलवल में जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले का किया गया आयोजन, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा प्रदेश में लोगों को मिल रही हैं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।